आत्मा इंसान के अंदर जहरा तौर पे हमेशा रहती है। आत्मा पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक है। आदमी पूछता है आत्मा कहां रहती है, एक जगह कहां है? जी एक जगह नहीं है, सिर से लेके यहां से लेके पैर तक, यानी पूरी बॉडी में आत्मा है। आपको यकीन नहीं है, आपको गुरु मंत्र अगर मिला है तो उस राम का नाम का जाप करके देखो एकांत में, घंटा सुबह घंटा शाम, और आप सोच के बैठो कि आत्मा का मुझे एहसास हो जाए, तो यकीनन जब आपकी आत्मा सुन्न समाधि की तरफ जाएगी, आपके पैर के अंगूठे से लेके ऊपर तक यूं लगेगा जैसे चींटी ऊपर चढ़ रही हो, जैसे कीड़ी ऊपर जाती, कीड़ी चींटी ऊपर चढ़ती है, एहसास होगा। और अगर थोड़ा सचेत होके बैठोगे तो यूं लगेगा कि जैसे जैसे वो चींटी ऊपर जाती जा रही है, वैसे वैसे नीचे का शरीर लाइक ए डेड, पूरी तरह से मर्त हो जाता है। और आत्मा ऊपर चढ़ती है और चढ़ती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, और यहां जहां से वो आत्मा चढ़ती जाती है, नीचे का शरीर मर्त प्राय हो जाता है। और जैसे आत्मा यहां पहुंचती है इस जगह पे, तो बाकी का शरीर सुन समाधि, यहां से आत्मा नीचे और यहां से ऊपर, यहां तो आत्मा होती है, तो जैसे आत्मा यहां पहुंचती है सुन समाधि में जीव पहुंच जाता है। सबसे पहले एक प्रकाश का बिंदु नजर आता है, जैसे दिए की लौ, दिया जगमगाता है ना, उसकी तीखी सी लौ होती है एक, वो लौ छोटी सी, लाइक ए लिटिल बिट स्टार, छोटे से तारे की तरह वो रोशनी आपको नजर आएगी। जो जो कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा वो रोशनी जबरदस्त होगी, और कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। जैसे आत्मा इधर पहुंचेगी तो वो रोशनी कन्वर्ट होके साथ में आवाज आने लगेगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि मैं किसी और लोक में पहुंच गया हूं। खंडों ब्रह्मंडों नक्षत्र ग्रह चंद्रमा सूरज सब उसमें आप होंगे, और आप अपने आप को देख तो नहीं पाएंगे, अब तो आप दर्पण में देख लेते हैं, वैसे कई चीजें हैं जो आप अपनी नहीं देख सकते। क्या आप अपने बैग की ये जगह देख लेते हैं शीशे के बिना, जितना मर्जी घुमाते रहो यूं यूं नहीं दिखेगी। तो जैसे ये चीज आपको नहीं दिखती, वैसे आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे आपके चारों तरफ प्रकाश है, और असल में वो आपकी आत्मा का प्रकाश, यानी आप में एक सूर्य से बढ़ के प्रकाश शुरू हो जाएगा, और फिर आपकी आत्मा उन नक्षत्र उन ग्रह चंद्रम सूरज के पास से होती हुई आगे ऊपर उठने लगेगी। यूं लगेगा आप तारों में से, चंद्रमा में से, सूरज में से ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। एक मीठी सुरीली आवाज जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे वो आपको खींच रही है, अपने सतगुरु मौला अल्लाह की आवाज, वाहिगुरु की वो तुर्की बाणी, अनहद नाथ हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में बांगे अलाही कलमा है पाक, इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी आवाज तो आपकी आत्मा को खींचेगी। और ये वो वक्त होगा जब आपका हर तरह का गम दुख दर्द चिंता टेंशन जड़ से खत्म हो जाएगा, विल पावर आत्मविश्वास चरम सीमा पे होगा, जबरदस्त बदलाव आएंगे बॉडी में। यहां डॉक्टर साहबान बैठे हैं, तो वो किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर के पास ऐसा कोई दवाई, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हार्ट को आराम दिला सके। हार्ट चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है, और दिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। पर जब आप सुन समाधि से ऊपर उठते हैं राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति इबादत के द्वारा, तो आपका दिल धड़कता तो है पर बहुत धीरे धीरे आराम से पंपिंग करता है, नवज 72 की जगह नाम मात्र रह जाती है, धड़कन ब्लड प्रेशर वगैरह सब बिल्कुल रुक से जाते हैं। और हार्ट आराम हम इसलिए कहते हैं कि जब फिर से आत्मा बॉडी में आती है तो
दिल एक स्वस्थ होके पूरी तेजी से और पूरे आराम से और सही गति से धड़कता है, और उसके अंदर जो चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, शायद डॉक्टर करें, हमारी बात सुन के कोई करना चाहे, किसी ऐसे जीव के जो मृतप्राय हो कि हार्ट जब बिल्कुल धीरे धीरे चलता है तो उससे हो सकता है बॉडी को भी बहुत सारे फायदे होते हो, क्योंकि ये अनुभव किया है। उसके बाद ऐसी ताजगी आती है, ऐसा नशा आता है, यूं लगता है कि चल रहे हैं यार, बड़ा धीरे चल रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। एक अलग सा मजा आता है, एक अलग सा नशा, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी पावर बॉडी में एहसास होता है। तो ये कैसे होता है? माइंड को भी आपके हिसाब से तो खून की सप्लाई कम होगी तो बॉडी कमजोर हो जानी चाहिए, होता बिल्कुल उल्टा। इतनी पावर और इतना नशा, और यूं लगता है पांव तो धरती पे टिक ही नहीं रहे, मैं तो यार हवा में उड़ रहा हूं। पर अहंकार में हवा में नहीं उड़ता, रहती दीनता है, नम्रता, भावना शुद्ध रहती है। इंसान को अहंकार नहीं आता बल्कि वो दीनता नम्रता धारण कर लेता है। तो ये परिवर्तन होते हैं बॉडी में, शरीर में, निर्भय, कोई भय नहीं रहता, निर्भय, किसी से बैर नहीं रहता, क्योंकि जब उसकी आराधना करते हैं जो इन सब का स्वामी है, तो नेचुरली साधक भी वैसा ही बन जाता है जिसकी साधना करता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आप चुगली निंदा करने वालों के पास बैठो, आप जुआरी के पास बैठो, नशा करने वालों के पास बैठो, कितने भी आप पक्के हो, पर समय धीरे धीरे गुजरता जाएगा और आपका दिल कराएगा कि थोड़ा थोड़ा आप भी करके देख लें हर्ज क्या है। अंदर जरूर आ जाएगा। जो पहले शराब पिया करते थे उनके पास बोतलें रख दो, देखते हैं लारें टपकती है कि नहीं। चाहे सतगुरु मालिक रहमत करे वो नहीं पिएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ख्याल आएगा यार ये लाल वाली पिया करते थे, हाँ ये पीले वाली पिया करते थे, ये बिस्की, ये फलानी, ये धींगड़, बड़ा ज्ञान आ रहा भाई, अंदर ललक उठ रही है। पर मालिक की रहमत है आप नहीं करते ऐसा। शायद विश्वामित्र जी ऋषि हो गए थे, बड़ी भक्ति की, बड़ी जबरदस्त, शायद यहां तक हमें ख्याल था, हो सकता है कोई और महर्षि हो, हमारा नाम ख्याल से निकल गया। तो कहते हैं इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, बड़ा कुछ होने लगा, कहने लगे इसका ये छुड़वाएं कैसे, ये तो भक्ति बहुत करने लगा है, राजा था वो। तो कहने लगे इसके पास एक तीर कमान रख देते हैं। अब बहुत सुंदर तीर रख दिया, और बहुत सुंदर से तीर रख दिए गए और कमान रख दी गई गजब की। अब वो बाहर से जंगलात से आया कुटिया में, इतना सुंदर धनुष बाण कि पहले तो क्योंकि भक्ति कर रहा था आया, यार किसी ने चाल तो नहीं खेली, फिर मन के लगा देख तो ले कितना खूबसूरत है, देखा दूर से, कहते नाना हाथ नहीं में लगा था। अगले दिन फिर भक्ति की, लेकिन ख्याल तीर में आ गया, भक्ति में कम हो गया, क्योंकि बहुत तीरंदाज था, अच्छा था। वापिस आया, चल यार भक्ति तो बहुत सारी उम्र पड़ी है, तीर उठा के देखते हैं। उठाया तीर, वाह यार बड़ा सीधा है, बड़ा कमाल का है, बड़ी पहुंच होगी इसकी तो, बड़ा पावरफुल है, आगे की तरफ वजन बढ़िया है, पीछे ऐसा है, ये पकड़ में बहुत सुंदर है, चलो इसको धनुष पे चढ़ा के तो देखें। धनुष उठाया, अरे 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 यार गजब हो गया, खींच के छोड़ा, जब कहने लगा वाह वाह कमाल है, अब इस पे धनुष चढ़ा के देखते हैं। प्रत्यंचा जब खींची चढ़ाई तो कमाल की आवाज आई, बड़ी मीठी, बड़ी अच्छी, शिकारी लोग ही जानते जो चलाया करते थे, उस आवाज में मस्त हो गया। कहने लगा चलो तीर छोड़ते हैं, ऊपर को करके तीर छोड़ा, तीर आंखों से ओझल हो गया, वापिस आया बहुत देर के बाद, कहने लगा वाह क्या कमाल है यार। तो शिकार कहते ना 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 शिकार नहीं करना, आप भक्ति कर रहे हैं, रख दिया। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीर चलाते चलाते अंदर ललक पैदा हो गई, यार खाली क्या चलाना, जब टारगेट नहीं है तो इसके चलाने का क्या फायदा, चलो हाथी के देखते हैं लगा के ये कितना पार जाता है। और खींचा तीर, मारा, उसके तो पार होना ही था लेकिन पारा भी डाउन हो गया, जब भक्ति पे बैठा तो बहुत कुछ उड़ गया। चलो ओहो ऐसा हुआ मेरे साथ। सो कहने का मतलब मन आदि है, जहां भी बैठोगे जैसी सोहबत करोगे उसका रंग ही नहीं लेगा, वैसा करने के लिए आपको प्रेरणा भी देता रहेगा।
इसलिए बुरे का संग कभी ना करो, बुराइयों का संग ना करो। ज्यादा ज्ञानवान जो बनते हैं वो खाली होते हैं, थोथा चना बाजे घना। हम लिख के दे सकते हैं, कोई उनके अंदर नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, कोई मालिक उनके अंदर प्रकट नहीं होता। सिर्फ एक अगर प्यार हो गया कुछ देर के लिए तो रूहानी बॉडी सिर्फ नॉर्मल शरीर के रूप में दर्शन हो सकते हैं, थोड़ी बात हो सकती है रूहानियत की। हो ही नहीं सकता कि जब तक आदमी को दृढ़ विश्वास ना हो, सुमण का पक्का ना हो, अंदर चढ़ाई कर सके, हो ही नहीं सकता। दृढ़ विश्वास हो फिर सुमरण करे, वचनों का पक्का बने तो अंदर चढ़ाई होती है और अंदर के नजारे मिलते हैं। तो जो नाम लेते हैं बेइंतहा खुशियां लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आत्मा ऊपर रूहानी मंडलों पे जाती है। बहुत सुंदर पानी की झीलें, ऐसे लगता है जैसे गोल्ड सोने की झीलें हो। सोना बहुत महंगा हो गया है शायद, कमाल है ना, सोने की झीलें। लालची आदमी तो वहीं डुबकी लगा ले, यार यहीं रहूंगा मैं तो जाता ही नहीं। बड़ी सुंदर झीलें हैं और 100% सच, यहां से कोई एक शब्द भी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, जो अनुभव किया वो बोलेंगे। बड़ी खूबसूरत झीलें, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कहने सुनने से परे। ये जो आपके हीरे, ये लाल, लाल में भी रूबी को कहा जाता होगा यहां तक हमें लगता है, क्योंकि एक बार हमने स्वर्णकारों को कहा कि लाल क्या होता है, किसी को नहीं मिला, क्योंकि रूबी बहुत महंगी होती है और अगर बड़ी तो। वहां हीरे और लाल माणिकों के पेड़ होते हैं, पेड़। काश आदमी सोचता है मेरे घर में एक लग जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। और वहां गजब के, ये कोहिनूर तो बेचारा कुछ भी नहीं, वहां तो कई गुना बढ़ के हीरे होते हैं, लाल ज्वाहरा चमक रहे होते हैं, और ऐसे ही चमकदार वहां के फल फ्रूट भी होते हैं, बहुत ही मीठे जबरदस्त। आत्मा वहां नजारे देखती है और आगे फिर संगीत बज रहा होता है। दुनिया का कोई भी तपला वादक, कोई भी कीपैड चलाने वाला या तार का साज बजाने वाला, जो आज दुनिया का नंबर वन है, या तानसेन जैसा जिसने बंद दीपकों में दिया जला दिया था अपने राग से, अपने आवाज से, उससे लाखों गुना मीठी आवाज और लाखों गुना मीठे साज अंदर बज रहे हैं। वहां परियां परे डांस करते हैं, खूबसूरत, क्या मजाल। आज के तो डांस उसको देख लो तो भूल ही जाओ। यहां सबसे बढ़िया डांसर, बेस्ट डांसर, ताल के ऊपर अगर पैर चलाने हो कितनी देर चला लेगा, 10 मिनट या 20 मिनट, बहुत बड़ी बात अगर कंटिन्यू इतना चला ले तो। ताल पे फास्ट चाल ताल चल रही हो और उस पे हर ताल पे उसका पैर ठुमका लगा रहा हो, कदम उठ रहे हो, बॉडी हरकत कर रही हो, 10 से 20 मिनट कर ले तो नाक में से धुआं, कान में से धुआं, काले पीले तारे नजर आएंगे। और वहां 24 घंटों चलता है, इससे भी सुंदर, बहुत खूबसूरत डांस। तालें बदलती रहती हैं और क्या मजाल की ताल बदले और उस पे पैर ना बदले, फौरन पैर भी बदल जाता है उन परियों का, उन परों का। क्या खूबसूरत डांस होगा, दिल ललचा रहा है, करो सुमरन, देख लो, सबके अंदर अखाड़ा लगा हुआ है, हमारे अकेले के अंदर थोड़ी, आप सबके अंदर, एक एक के अंदर ये हो रहा है, एक एक के अंदर। जिन्होंने नाम लिया उनके भी अंदर हो रहा है, पर वो तो बेचारे कहीं और ही रो रहे हैं। आपको तो एहसास है कि आप देख सकते हैं, देखो जरा सा किसी को खूबसूरत देखा, मूंछें ऐंठने लगे, अच्छा लगता है कि मुझे ही देख ले, मैं ही हूं सारा कुछ, और इधर वाला महकमा, ये सवारा वो सवारा, यूं आंखें मटकाई है, मैं खूबसूरत, मुझे देख रहा है वो, देखनी है खूबसूरती तो अंदर देख लो, क्या गजब है खूबसूरती अंदर, क्या कमाल है। और आत्मा पूरे सदगुरु की रुकती नहीं उनमें, उलझती नहीं, उन खूबसूरतियों को देखती, सबका नजारा लेती, और आगे काल महाकाल के रूप में दर्शन देता है, उसका भी नूर है।
सैकड़े हजारों सूरज का नूर है। बड़ा कई फकीर तो वहीं रुक गए, पूर्ण गुरु धार ना कर पाए, वहीं उलझे हुए, उसी नाचगान में उलझ गए, लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा वहां नहीं रुकती, बढ़ती जाती है और पार ब्रह्म या सारे खंड ब्रह्मांड सारी त्रिलोकियां जैसे सुई का नक्का होता है इतनी जगह, ऐसे इतना कुछ लग रहा है, ये तो एक धरती है, सारे खंड ब्रह्मांड वहां सुई की नोक जितने होते हैं, यानी इतनी ये सारी जगह वहां इतनी बन जाती है, और आत्मा जैसे उसको पार करती है बहुत सारे अंधकार आते हैं, बहुत कुछ आता है, सैकड़े किलोमीटर हजारों किलोमीटर अंधकार है और चढ़ाई है तो लाखों किलोमीटर और गिरता है तो लाखों किलोमीटर, लेकिन सतगुरु की आवाज यूं रखती है लाइट, रोशनी ही रोशनी, और फिर आत्मा उसको पार करते ही उस परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसके एक रोम में हजारों लाखों सूरजों से बढ़के प्रकाश होता है, सिर्फ एक रोम में। और जब आत्मा उसकी खूबसूरती देख लेती है, जब लौट के आती है तो परी परे सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने किसी की खूबसूरती टिकती ही नहीं, ऐसे लगता गंदगी के कीड़े से हैं, उसकी खूबसूरती तो सबसे निराली है, ऐसे तो नहीं उसके आशिक हुआ जाता, उसमें भी ऐसी बात है जो किसी और में सोची भी नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह जो नाम लेते हैं वो अंदर की चढ़ाई करके मालिक के नूरी सुबरू के दर्शन कर सकते। सहस दल कमल कोई स्टेजस सच्चे सौदे के मुरीदों को नहीं रुकना पड़ता, एक्सप्रेस गाड़ी है, कोई त्रिकुटी भंवर गुफा में उलझना नहीं पड़ता, मस्ताना जी महाराज सीधे ही वचन लेके आए हैं, एक पैर यहां एक सीधा सचखंड। सो कई पूछते हैं गुरु जी बीच में क्या आता है, जब तूने रुकना ही नहीं जरूरी है लोकल पे चढ़ना, चढ़ जा एक्सप्रेस पे सीधा ही। सो सतगुरु ऐसी एक्सप्रेस लेके आए हैं सच्चा सौदा में मस्ताना जी महाराज, और कहने सुनने से परे हमें सतगुरुदाता शास्त्राम जी ने समझाया बताया। सो अमल करके देखो, अमल सिर्फ बातों की ना खाया करो, अमल करोगे चल के देखोगे नजारा ही कुछ और है।